हेलो एवरीवन, इन द सीरीज ऑफ एचटेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आज हम एचटेट 2019 में जो जो क्वेश्चंस आए थे कंप्यूटर फंडामेंटल से वो डिस्कस करेंगे। इस पेपर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से काफी क्वेश्चंस आए थे, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विंडोज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम मालवेयर एंड अदर पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर। ऑप्शंस आर विंडोज मोबिलिटी सेंटर, विंडोज डिफेंडर, इंडेक्सिंग ऑप्शन, विंडोज अपडेट। नाम से पता चल रहा है हमें डिफेंड करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, सो इट्स राइट आंसर विल बी विंडोज डिफेंडर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड पेयर ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइट पेन डिजिटल कैमरा। नाउ लाइट पेन कैसे दिखाई देता है? एक ऐसा पेन होता है जिससे आप अपने मॉनिटर को या आपकी जो स्क्रीन है उस पर डायरेक्टली राइट कर सकते हो। जनरली ये यूज होता है डिजिटल पेंटिंग के लिए। ओके, सो लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस है कि इसमें हम फोटोज क्लिक करते हैं। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर यूज होता है कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपी है, उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए। अगेन स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन। नाउ हमें लगता है कि माइक्रोफोन हमारी आउटपुट डिवाइस है, बट नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, माइक्रोफोन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इट इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें हम जो बोल रहे हैं, जो एनालॉग सिग्नल है, हमारी जो स्पीच है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ऐसी दिखाई देती है, ये पहले यूज होती थी ट्रैक बॉल। आजकल हमारे लैपटॉप में ट्रैक पैड लगा होता है इनपुट के लिए, माउस की जगह जो ट्रैक पैड लगा होता है, तो ट्रैक बॉल आजकल यूज नहीं होती, बट ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारी इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने में यूज होती है ये, या फिर आपने देखा होगा व्हील चेयर्स जो है उन पे लगी होती है डायरेक्शन देने के लिए, और आप इसको 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो जो इसमें हमारा हैंडल लगा होता है। नेक्स्ट इज प्लॉटर। नाउ व्हाट इज प्लॉटर? प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें कोई भी इमेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपको हाई क्वालिटी में जो प्रिंट करना होता है उसमें प्लॉटर यूज होता है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। सी, तो प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, बाकी सारी हमारी इनपुट डिवाइस है, और इसमें हमें बताना है नॉट अ वैलिड पेयर सो ऑफ इनपुट डिवाइस। नाउ प्लॉटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज इन विंडोज वी गो टू डैश ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम फ्रॉम आवर कंप्यूटर। जनरली हम सब ने कुछ ना कुछ अनइंस्टॉल किया है अपने कंप्यूटर से, सो वो हम कहाँ जाते हैं कंट्रोल पैनल में? ऑप्शन आर डिफॉल्ट प्रोग्राम, सेक्शन सेंटर, डिवाइस मैनेजर, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। यस, हम जाते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। इसमें जितने भी आपके इंस्टॉल्ड एप्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो सब आते हैं, और वहीं पर हमारे पास अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट इज लेट ए एंड बी आर टू डिवाइसेस यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स। दोनों हमारी डिवाइसेस वीडियो गेम के लिए है। इन ए देयर इज प्रोविजन ऑफ अ हैंडल ऑन अ बेस एंड बटन्स फॉर प्रेसिंग और रिवॉल्विंग। सो इट विल बी लाइक एक बेस बना हुआ है, उसके ऊपर हैंडल लगा हुआ है, उसके ऊपर बटन्स लगे हुए हैं। सो कैसा दिखाई दे रहा है हमें? जॉयस्टिक जैसा, राइट? जॉयस्टिक जैसा दिखाई दे रहा है। सो ए में हमारे पास आएगा जॉयस्टिक। ए हमारी क्या होगी? जॉयस्टिक। अगर हमें सिर्फ ए को भी रिकग्नाइज कर लिया, बाकी तीनों ऑप्शन हम कट कर सकते हैं, सो आर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। पूरी स्टेटमेंट फिर भी रीड कर लेते हैं हम। While video games are played using B, B को यूज करके हम वीडियो गेम खेलते हैं, holding it in both hands. Now हम सब ने बचपन में वीडियो गेम खेला है जिसमें एक वीडियो गेम का गेम पैड होता था जिसको हम दोनों हैंड में पकड़ते थे और उससे गेम खेलते थे, एंड वो दिखाई देता है लाइक दिस। आप सबको याद आ गया होगा ये वीडियो गेम हम खेलते थे टीवी में कनेक्ट करके, इसके साथ एक अडेप्टर होता था, राइट? उसमें हम कैसेट्स लगाते थे, मारियो, बहुत सारे गेम्स खेले, टैंक, कॉन्ट्रा एक्सेट्रा। सो इसको हम बोलते हैं गेम पैड। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जॉयस्टिक एंड गेम पैड।
नेक्स्ट इज साटा स्टैंड्स फॉर, साटा की फुल फॉर्म क्या है? साटा में एस होता है हमारा सीरियल, ए मीन्स एडवांस्ड, टी मीन्स टेक्नोलॉजी एंड ए मीन्स अटैचमेंट. सो फॉर दिस राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट. ये आटा हार्ड ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने में यूज होता है. नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2^20 bytes एंड 2^40 bytes आर रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू डैश. ना 2^20 byte कितना बनेगा एंड 2^40 bytes कितना बनेगा. ना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सारे करके देख लेते हैं कितना कितना होता है. सी बिट होता है हमारा 0 और 1, निबल का मतलब होता है 4 bits. निबल मीन्स 4 bits, नॉट bytes, ये हमें याद रखना है 4 bits. बाइट का मतलब होता है 8 bits, ये हम सबको पता है, इजी है. निबल पे पहले भी आया था एक क्वेश्चन. ना किलोबाइट कितना होता है हमारा 2^10 byte. बाइट को हम कैपिटल बी से लिखते हैं, 2^10 byte. मेगाबाइट होता है किलोबाइट के पास, मेगाबाइट का मतलब होता है 2^10 kb. नाउ 2^10 kb का मतलब है 2^20 bytes, राइट? 2^20 bytes. सो फर्स्ट हमें बताना है 2^20 byte, तो वो हमारा क्या बनेगा, 1 MB, मेगाबाइट. सो ऑप्शन बी एंड सी वैसे ही आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे. नेक्स्ट इज गीगाबाइट. गीगाबाइट का मतलब होता है 2^10 MB. नाउ 2^10 MB का मतलब है 2^30 byte. मैं सबको बाइट की टर्म में बता देती हूँ आपको. बेसिकली अगर हम टेराबाइट की बात कर रहे हैं इसका मतलब 2^10 गीगाबाइट, पेटाबाइट की बात कर रहे हैं तो 2^10 टेराबाइट. उसको अब हम बाइट्स की टर्म में देख लेते हैं. टेराबाइट का मतलब है 2^40 bytes. यही हमारा क्वेश्चन में 2^40 के लिए बताना है. सो 2^40 इक्वल्स टू 1 TB. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. टेराबाइट के बाद आता है हमारा पेटाबाइट. पेटाबाइट मीन्स 2^50 bytes, बहुत ज्यादा होता है ये. ऐसे ही हम 10 का इंक्रीमेंट करेंगे 2^ में. पेटाबाइट के बाद है एक्साबाइट 2^60 bytes, जेटाबाइट 2^70 bytes एंड योटाबाइट 2^80 bytes. ओके, और यू कैन से 2^10 zettabyte. सो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सबका सीक्वेंस याद रखना है. केबी, एमबी, जीबी, देन टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी. सो डेट वॉज आर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2019 ऑन बेसिक of computers, computer fundamentals. I hope you learned something from this video. Thank you all for watching this, and if you like our channel, do subscribe and share.